उत्तर प्रदेश के बरेली में महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचकर थाना मीरगंज पुलिस के खिलाफ एक शिकायती पत्र देकर बताया उसका पति दिल्ली में एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती था। मीरगंज थाना की पुलिस ने एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज कर दिया। आज भी मेरा पति अस्पताल में भर्ती है, इलाज चल रहा है। महिला ने न्याय की गुहार लगाई। थाना फतेहगंज पश्चिमी के रहने वाले व्यक्ति पर एनडीपीएस का मुकदमा थाना मीरगंज पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। इस वक्त व्यक्ति का मुकदमा दर्ज किया गया, उस वक्त वो व्यक्ति हरियाणा के मैदानता अस्पताल में भर्ती था और आज भी उसका उपचार चल रहा है। मुकदमे में दर्शाए गए अभियुक्त की पत्नी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। मैं आज यहाँ आई हूँ कि मेरे पति का क्या नाम हॉस्पिटल में है, उनका कल आविष्कार हुआ है, लेकिन आज उनके पास एसएसपी के पास गए थे। क्या मामला है? ये है मामला, क्या नाम, फर्जी नाम आ रहा है। किस मामले में? एनडीपीएस में उनको फर्जी वांछित किया जा रहा है कि फर्जी ऐप लगाया जा रहा है इन पर, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। आपके पति हॉस्पिटल में है? जी, आज भी हॉस्पिटल में, कल ऑपरेशन हुआ उनका। तो आपके पति को कौन फंसा रही है ये तो पता नहीं, लेकिन पुलिस क्या कह रही है? पुलिस यही कि हमारे पति का नाम क्या नाम उसमें एनडीपीएस में लगा रही है, वांछित कर दिया। जिससे वांछित करा था उसमें पति कहाँ थे आपके? उसमें गुड़ मैदानता हॉस्पिटल में, गुड़गांव। अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ इस बात की जांच करी जाए मेरे पति के ऊपर, क्यों ये लगाया जा रहा है, क्या हर बार ऐसे ही होता रहेगा मेरे। मुझे 10 महीने हो गए हॉस्पिटलों में, कभी इसमें कभी उसमें। पुलिस है मीरगंज। आप रहने वाले गाँव में? फतेहगंज। फतेहगंज में। फतेहगंज जी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।